वेलकम टू द इंग्लिश ऑल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। सीयूईटी की जो शुरुआत हुई थी वो 2022 में हुई थी। 2022 से जब 2023 में सीयूईटी आया, यानी अपने सेकंड पड़ाव पर जब वो आया, तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, ऑलमोस्ट सिमिलर था। सुधार करने की कोशिश की गई थी बट बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो पाया था। बट जब 2024 वो लेकर के आ रहे हैं, तो जितनी भी गलतियां उन्होंने 2022 या 2023 में की थी, उन सारी गलतियों को एक साथ सुधारने का प्रयास किया जा रहा है 2024 में। प्रॉब्लम्स क्या क्या थे? नॉर्मलाइजेशन एक बहुत मुश्किल एस्पेक्ट था जिसको चेक कर पाना। कभी कंप्यूटर्स खराब हो रहे हैं, कभी बच्चों के सेंटर चेंज हो रहे हैं। 2023 में एग्जाम के दो दिन पहले तक बच्चों के पास कॉल मैसेज आ रहा था कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो गया। तो ये समस्याएं बहुत बड़ी थी और उसका बोझ भी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा था। इस सबका निजात पाने के लिए उन्होंने इस बार 2024 में बहुत सारे चेंजेस लेकर के वो आ रहे हैं। इन चेंजेस को हम समझेंगे, क्या क्या चेंजेस हैं, किस तरीके से चेंज किया गया है, क्या ये स्टूडेंट्स के बेनिफिट में है, ये सारी चीजें इसी वीडियो में हम समझेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और अबव ऑल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाए। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन पॉइंट क्या है? आज का जो हमारा डिस्कशन पॉइंट है वो सीयूईटी 2024 में बिगेस्ट, मैं एक बार सेलेक्ट कर लूं, बिगेस्ट अपडेट। एक बार मुझे बता दो कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट में बताएं, जो लोग लाइव में हैं मुझे चैट में बताएं कि क्या मेरी आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम? मैं देख नहीं पा रहा हूं। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आवाज आ रही होगी। जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, अगर उनका कोई डाउट है तो आप वीडियो के अंत में आप जा करके जो कमेंट सेक्शन है वहां भी पूछ सकते हैं, या मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा दूं जहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। चलिए स्ट्रेट अवे। हार्दिक सिंह, आवाज नहीं आ रही है। ओम, एक बार आवाज चेक कर लो। आवाज चेक कर लो। आवाज ओके? आवाज ओके हार्दिक? चलिए स्टेट अवे स्टार्ट करते हैं। हम आप एक चीज पर गौर करिएगा, ध्यान से देखिए, एक चीज को गौर करके देखिएगा। यहां पर ये आज जब मैं कोरा पर लिख रहा था तो मैंने मार्क किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा बड़ा अखबार, जो कि नंबर ऑफ सेल्स में इंडिया में सबसे बड़ा अखबार माना जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की अपनी एक प्रेस्टीज है, हर एग्जाम का एक हर न्यूज़पेपर का एक अपना सब्सक्राइबर बेस होता है, बट टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, और खासकर इंग्लिश का। इस सब्सक्राइबर बेस पर आपको देखो कि ये कितना बड़ा एग्जाम होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज के सबसे पहले सेक्शन पर इसको अपडेट दिया गया, सीयूईटी यूजी सेट फॉर चेंजेस फर्स्ट शिफ्ट पेन पेपर मोड। हार्दिक, मैं जरूर बताऊंगा आपको कि फॉर्म्स कब आएगा। जब ये पूरा वीडियो देखोगे आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि कब फॉर्म्स आएंगे, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस एग्जाम से अपीयर होने से पहले एग्जाम का पैटर्न समझना होगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हम ही करा देंगे, ठीक है? तो आप देखो कि जहां पर एक बार हम इंडियन क्रिकेट टीम की न्यूज दे रहे हैं, उसके पैरेलल में ये टाइम्स ऑफ इंडिया सरीखा बड़ा अखबार फर्स्ट पेज के वेरी फर्स्ट पेज के वेरी टॉप लेफ्ट पर अगर आपको कोई न्यूज आ रही है, इसका मतलब ये एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है और इसकी रीच बहुत बड़ी है, सर्चेस बहुत बड़े हैं, इस वजह से ये फर्स्ट पेज पर ये आया हुआ है। तो ये अपने आप में ये बड़ी बात है। अब हम देखते हैं कि इसमें अपडेट्स क्या क्या है। मैं जो पूरा अपडेट है वो पॉइंट वाइज आपके लिए लेकर के आया हूं, जिससे आपको दिक्कत ना आए। ये पूरा का पूरा जो अपडेट है वो पॉइंट फॉर्म में मिल जाएगा आपको, सारी की सारी चीजें पॉइंट फॉर्म में होंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले देखिए क्या लिखता है, जस्ट सी द इंपॉर्टेंस गिवन टू सीयूईटी। सीयूईटी इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। द न्यूज गॉट द प्लेस ऑन द वेरी टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज, TY, व्हिच इज लार्जेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू सीयूईटी देन नीट एंड ITJEE। यानी टाइम्स ऑफ इंडिया के सबसे टॉप पर, सबसे फर्स्ट पेज के टॉप कॉर्नर पर सीयूईटी यूजी को जगह मिलती है। इसका मतलब है कि ये एग्जाम हो सकता है कि सरपास कर जाए JEE और NEET को। जो चेंजेस हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चेंजेस ध्यान से देखना है आपको, और कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में पूछिए आप लोग।
Most of the CUET UG papers are likely to be conducted in single shift from this year. इसका मतलब है कि जो आपका पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता था, most likely इस बार आपका CUET UG का जो पेपर होगा वो एक ही शिफ्ट में होगा, अलग अलग शिफ्ट में नहीं होगा. मतलब कभी अकाउंटेंसी का पेपर, अगर आपके अकाउंटेंसी BST इंग्लिश जनरल टेस्ट इनका पेपर लेट से अगर किसी का 18 मई को होगा, तो जितने लोगों ने अकाउंटेंसी भरा होगा, जितने लोगों ने इंग्लिश भरा होगा, जितने लोगों ने केमिस्ट्री भरा है, जितने ने फिजिक्स भरा हुआ है, सारे के सारों का पेपर सिर्फ उसी दिन होगा और किसी दिन नहीं होगा, अलग अलग शिफ्ट में नहीं होगा. इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन हट जाएगा. पिछली बार मेरे जानने वाले बहुत से बच्चों का, जो कोई डीपीएस का टॉपर है, कोई वेंकटेश्वरा का टॉपर है, कोई एपीजे का टॉपर है, पेपर बहुत अच्छा गया बट नॉर्मलाइजेशन में उनका स्कोर कट गया. उनका स्कोर आ रहा है किसी का 200 में से 196 आ रहा है, 190 आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 180 हो गया, 175 हो गया, और उनकी रैंकिंग खराब हो गई जिससे उनका कॉलेज खराब हो गया. तो इस बार वो हट जाएगा, पहला अपडेट था. सेकेंड चीज, द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर मल्टी सेशन एग्जाम्स विल बी रिमूव फ्रॉम दिस सेशन. क्यों किया जाता है नॉर्मलाइजेशन? जो भी पेपर अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, हर पेपर की अलग अलग डिफिकल्टी होती है, उन बच्चों को वो डेट, जब अलग अलग एग्जाम होता है तो हर बच्चों को अलग अलग टाइम मिलता है उस पेपर को अटेंड करने के लिए. ये समस्या ही खत्म हो गई है. अब नॉर्मलाइजेशन ही हटा दिया गया हुआ है और ये एक बहुत बढ़िया और बहुत अप्रिशिएटिंग स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने उठाया हुआ है कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को हटा दिया. दो अपडेट मैंने दे दिए, तीसरे अपडेट की बात करते हैं. Subjects for which over 1.5 lakhs will register will be conducted in the pen paper mode, while those with fewer applications will be computer based. अच्छा, आप पूछोगे कि सर ये भी तो बताओ कि कौन सा पेपर पेन पेपर मोड पर होगा और कौन सा कंप्यूटर बेस्ड होगा. तो ये भी क्लेरिफाई कर दिया है कि 1.5 लाख से ऊपर, जिस भी पेपर के लिए 1.5 लाख से ऊपर बच्चे अपियर होंगे या फॉर्म भरेंगे, उन सबका जो एग्जाम है वो पेन पेपर मोड पर होगा. क्लियर है? 1.5 लाख से ऊपर एप्लीकेंट्स अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं या अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि 1.5 लाख से ऊपर बच्चे अकाउंटेंसी, इको, बीएसटी, और मोस्टली अगर आप पिछले साल का डिटेल्ड एनालिसिस देखोगे तो उसमें मैक्सिमम पेपर्स ऐसे हैं जो टॉप नॉच पेपर्स हैं, जैसे इंग्लिश है, जीटी है, हिंदी है, मैथ्स है, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सारे पेपर्स के नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो 1.5 लाख से ऊपर है. तो अब आपको जो मेजर सेक्शन है वो आपको सिंगल शिफ्ट में हो जाएगा और नॉर्मलाइजेशन हट जाएगा. नहीं हार्दिक, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, वही बताया मैंने. आप पॉइंट टू पढ़ो, आप पॉइंट टू पढ़ो. मैं, आप जितने लोग देख रहे हैं अभी या बाद में, जो लोग ये लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. टेलीग्राम पर मैं ये पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आपको ये एक्सेस हो जाएगा, आप चेंजेस देख पाओगे. ठीक है? तो क्या कहता है, द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर मल्टी सेशन एग्जाम्स विल बी रिमूव फ्रॉम दिस ईयर. तो नॉर्मलाइजेशन हट जाएगा. तो हमने तीन अपडेट्स पढ़ लिए हैं, चौथा देखते हैं. द बिगेस्ट चेंज इज दैट मोस्ट पीपल्स आर लाइकली टू बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट, thus doing away with the normalization process required for multi-session exams. Fourth क्या कहता है? Biggest change क्या है? कि ये exam single shift में होगा, double shift में नहीं होगा. अब exam single shift में हो जाएंगे. तो ये सबसे बड़ा change है. पहले क्या होता था मेरे जानने में, एक बच्चा कोई exam दे रहा है सुबह 10 बजे, फिर उसी बच्चे का अलग shift में exam हो रहा है शाम को. अब ये जो एग्जाम के अलग अलग शिफ्ट्स हैं, ये एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में नहीं होगा, एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा और इससे आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा. ठीक है? हाँ जी, मिलेगा आपको रॉ स्कोर के बेसिस पर ही एडमिशन मिलेगा. ये फैक्ट है कि जो एडमिशन मिलेगा वो रॉ स्कोर के बेसिस पर ही मिलेगा. ठीक है? तो हमने टोटल 4 चेंजेस, जो कि इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, वो 4 चेंजेस कर लिए हैं. बट अभी भी एक सबसे मेजर चेंज है कि नंबर ऑफ पेपर्स कितने आप सेलेक्ट कर सकते हो इस एग्जाम में, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. चलिए स्ट्रेट अवे आगे बढ़ते हैं. यहां तक कोई डाउट अगर किसी को, जो लोग देख रहे हैं, कम लोग देख रहे हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप इसको, वीडियो लाइक करें. मतलब शेयर तभी करें जब ऑथेंटिक लगे, जब आपको लगे कि इंफॉर्मेशन सही है तभी शेयर करें, गलत लगे मत करो. चलिए हम इंप्रूव करेंगे अपने आप को. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अपडेट देखते हैं. फिफ्थ क्या कहता है? The exam paper will naturally be in hybrid mode. यानी जो discussion है, इसके बाद से ये भी तय हो गया कि exam paper hybrid mode में होगा. जिस भी form के लिए 1.5 लाख से कम applicants होंगे वो CBT mode पर, और जहां भी 1.5 लाख से ऊपर के applicants होंगे वो आपका pen paper mode पर. ये भी समझ में आ गया होगा.
हाँ जी, पेन पेपर में एमसीक्यू आएगा ना जी? हाँ जी हाँ जी, एमसीक्यू आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। चलिए अगला अपडेट हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, छठवें नंबर पर अपडेट, छठवें नंबर का अपडेट है 6 सब्जेक्ट के लिए, यानी अपडेट भी 6 है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट का सिलेक्शन भी 6 ही है, ठीक है। OMR फॉर्मेट जी, एग्जैक्टली आयुषी, जो पेपर होगा अब वो OMR फॉर्मेट पे होगा और पेन पेपर मोड पर होगा, ठीक है। तो 6 नंबर पॉइंट पर क्या है, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट चॉइसेस अ कैंडिडेट कैन मेक विल बी लिमिटेड टू जस्ट 6 सब्जेक्ट्स, यानी एक जो बच्चा पेपर सिलेक्ट करेगा वो मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा। सो अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट, यानी जनरल टेस्ट को इंक्लूड करते हुए भी आप सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स ही चुन पाएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, जनरल टेस्ट को इंक्लूड करते हुए भी आप सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट चुन पाएंगे। फॉर दैट मैटर, मैं एक एप्लीकेंट हूं, मैंने क्या ले लिया, मैं इंग्लिश लूंगा, मेरे पास अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी ही ले लिया, इको ले लिया, बीएसटी ले लिया, फिजिकल एजुकेशन ले लिया और जीटी ले लिया, इसके बाद मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा कोई भी सब्जेक्ट। पहले क्या था, पहले 2023 तक क्या था, 2023 तक 10 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाते थे, बट 2024 में आप सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट कर पाएंगे। क्लियर यहां तक? OMR पर होगा जी, क्लियर? कोई डाउट एक बार चैट बॉक्स में बता दो, कोई डाउट, सब कुछ क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगला अपडेट देखते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस लाइकली टू कमेंस बाय द एंड ऑफ फरवरी, जो ये एग्जामिनेशन प्रोसेस है ये फेब के एंड में स्टार्ट होने का चांसेस है। 9 फरवरी को पहले एक्सपेक्टेड था फॉर्म आने का, 9 फरवरी को नीट का फॉर्म आ गया, 19 फरवरी को आना था बट 19 फरवरी को अपडेट आ गया कि ये जो फॉर्म है ये फेब के एंड में जाकर के रिलीज होगा, ठीक। पहले 9 फरवरी को आना था, 9 फरवरी को नीट आ गया, 19 फरवरी को आना था तो 19 फरवरी को यह अपडेट आया कि अब यह फॉर्म फेब के एंड में आएगा। बट चिंता करने वाली बात नहीं है, अगर फेब के एंड में आएगा तो कम से कम भी तो अप्रैल तक तो ये मौका देंगे ही देंगे आपको ये फॉर्म फिलिंग करने का। लेकिन एक गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, फॉर्म रिलीज होने के एक हफ्ते के अंदर ही फॉर्म भर लेना है। मेरी बात याद रखना, फॉर्म रिलीज होने के एक हफ्ते के अंदर आपको फॉर्म भर लेना है, क्लियर। चलिए अगला अपडेट देखते हैं, 8 क्या है, एज फार एज पॉसिबल टेस्ट फॉर मेजोरिटी ऑफ द पेपर्स विल बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट, दिस विल एलिमिनेट द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉर्मलाइजेशन फॉर दीज पेपर्स, यानी मैक्सिमम जो पेपर्स हैं एज फार एज पॉसिबल टेस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पेपर्स, यानी मेजोरिटी ऑफ द पेपर्स के लिए जो टेस्ट होगा वो सिंगल शिफ्ट में होगा और इससे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस एलिमिनेट हो जाएगा। अगला क्या कहता है, द पेपर्स दैट आर लाइकली टू बी डिलीवर्ड इन पेपर मोड आर इंग्लिश, कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो पेन पेपर मोड पर जाएंगे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स अमंग अदर्स, यानी क्या क्या हो गया आपके पास, इंग्लिश, हिंदी भी होगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, यानी जो भी पेपर में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 1.5 लाख से ऊपर है वो आपका पेन पेपर मोड पर जाएगा ही जाएगा। लास्ट अपडेट क्या है, CUET UG इज द सेकंड लार्जेस्ट एंट्रेंस एग्जाम इन द कंट्री, यानी CUET हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम है, पहले नंबर पर कौन है, नीट, दूसरे नंबर पर कौन है, CUET, ठीक है। सम पेपर्स क्या कहता है, सम पेपर्स विद लार्ज काउंट एंड फॉर एरियाज लाइक कश्मीर, झारखंड एंड सम प्लेसेस इन द नॉर्थ ईस्ट द पेपर्स विल बी डिलीवर्ड इन पेन पेपर मोड, यानी कश्मीर है, झारखंड है और नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगहों पर पेपर ये डिफॉल्ट पेन पेपर मोड पर ही होगा। इट विल बी लाइक द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी दैट इज ऑन OMR बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी OMR बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने पूछा था। हां आयुषी, बिजनेस स्टडीज भी है बच्चे, इसमें देखो लिखा हुआ है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स अमंग अदर्स, तो अदर्स में आप बीएसटी मान लो, ठीक, यानी अगर 1.5 लाख से ऊपर पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो पेन पेपर मोड पर होगा, ठीक, क्लियर। अब मैं आपको ये न्यूज दिखा देता हूं जो ये न्यूज एग्जाम में आया हुआ था, ये है वो न्यूज
जो आया था एग्जाम में, मैंने इसको ले लिया हुआ यहाँ पर, ठीक। क्या कहता है, ऑफलाइन सीयूटी यूजी फॉर सब्जेक्ट्स विद ओवर 1.5 लाख एप्लीकेंट्स, सिंगल शिफ्ट एग्जाम टू डू अवे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। मैंने सारा आप सब कुछ आपको बता दिया और यहीं से अपडेट मैंने लिया हुआ है, कुछ अपडेट मैंने बाहर से लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, CUET एडवाइजरी कमेटी विच हैज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज लाइकली टू मीट दिस वीक टू फाइनलाइज डेट्स एंड डिटेल्स ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ द टेस्ट। यानी अभी इसकी मीटिंग होगी, तब इसके बाद इसको फाइनलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा अपडेट दे दिया CUET UG के जो चेंजेस होने वाले हैं। इसके साथ साथ आप जो कोरा स्पेस है, कोरा पर जाओ, आप CUET 2024 सर्च करो, उस पर मिल जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम है, वो ज्वाइन करो। एप्लीकेशन ASUG, बहुत सारे पेपर ASUG के एप्लीकेशन पर, बहुत सारे PYQs पहले से फ्री में पड़े हुए, जाओ और दो। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर हैं, इंग्लिश हो गया, GT हो गया, वो पड़े हुए एप्लीकेशन पर, जाइए दीजिए तो सही, पता तो करिए कितना आता है आपको, फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना, ठीक। तो इस तरीके से आज का जो अपडेट है वो मैं यही खत्म करता हूं, और आपको रेगुलर इंटीमेशन CUET, IPU, IPM, CLAT, DULLB, इन सारे एंट्रेंसेस के लिए रेगुलर अपडेट्स आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज इसको लाइक जरूर करें, कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर कोई ऐसा दोस्त है आपका जिसके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं या किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।